तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे शब्द के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हिंदी में उसका लगभग मीनिंग जो होता है सेम होता है, ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में उसको जब सेंटेंस में जब बनाएंगे हम लोग, तो उसका सेंटेंस के थ्रू उसमें अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे स्क्रीन में शो हो रहा है, इसका लगभग मीनिंग हिंदी में सेम होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो यूज होता है, उसका जो उपयोग होता है सेंटेंस में अलग अलग होता है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और फिर सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। देखते हैं सबसे पहले नंबर में क्या है। सबसे पहले नंबर में कैच वर्सेस होल्ड। क्या बोले? कैच वर्सेस होल्ड। इसका हिंदी में लगभग इसका सेम मीनिंग होता है, ठीक है। होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है और कैच का मतलब भी पकड़ना होता है, ठीक है। लेकिन इसका जो यूज होगा, कोई भी सेंटेंस अगर बनाते टाइम इसका यूज अलग अलग होगा, ठीक है। कैच का हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पर कोई भी चीज अगर मोशन में रहता है, कोई भी चीज अगर गति में रहता है, तो उसको हम लोग कैच का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो क्रिकेट वगैरह खेलता है तो ऊपर से बॉल आता है, ठीक है, तो उसमें क्या बोलेंगे? आई विल कैच द बॉल। क्या बोलेंगे? आई विल कैच द बॉल, ठीक है। उसी तरह कोई अगर आपको कोई फोन फेंक के दे रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आई विल कैच द मोबाइल। क्या बोलेंगे? आई विल कैच द मोबाइल। उसी तरह मतलब कोई भी चीज अगर मोशन में रहेगा तो वहां हम लोग कैच का यूज करेंगे, ठीक है। अगर होल्ड का बात आए तो होल्ड का हम लोग कहां पे यूज करेंगे? मान लीजिए अगर कोई चीज ठहरा हुआ है, मतलब कोई भी चीज स्टिल है, तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे? होल्ड का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपको कोई फोन आपको पकड़ा दे रहे हैं, ठीक है, हाथ से, तो क्या बोलेंगे? होल्ड माई मोबाइल। क्या बोलेंगे? होल्ड माई मोबाइल, ठीक है। जैसे कि हम आपको पेन दे रहे हैं, ठीक है, होल्ड माई पेन, होल्ड माई पेन, ठीक है। आज किसी को बोलेंगे मेरा हाथ पकड़ लो, तो क्या बोलेंगे? होल्ड माई हैंड। ये सब स्थिर है, मतलब कोई इमोशन में नहीं है, ठीक है। जो चीज मोशन में रहता है उसको हम लोग कैच का यूज करते हैं। अगर कोई भी चीज मोशन में नहीं रहता है, मतलब जो ठहरा हुआ रहता है, स्टिल रहता है, उसको हम लोग यूज करते हैं होल्ड का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है वी वर्सेस क्राई, ठीक है। वी वर्सेस क्राई, ये दोनों का मतलब रोना होता है। वी मतलब भी रोना और क्राई मतलब भी रोना, लेकिन अभी कौन सा कहां यूज करेंगे, ठीक है। वी को वहां यूज करेंगे जहां वीप का यूज वहां होता है, जो कि कोई भी अगर इंसान रोता है तो साइलेंटली जो रोता है, मतलब बिना आवाज के जो रोता है, उसको हम लोग यहाँ वीप का यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए वो रो रही है, तो सी इज वेपिंग। क्या है? सी इज वेपिंग। इस तरह से मतलब कोई अगर साइलेंटली रोता है तो उसको हम लोग करेंगे वीप का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे कि बच्चा जैसे रोता है, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बेबी इज क्राइंग। बेबी इज क्राइंग का यूज करेंगे, ठीक है, बच्चा रो रहा है, ठीक है। अगर इस तरह से मतलब कोई भी अगर साइलेंट जो रहता है, साइलेंट जो रहता है, उसको वीपिंग यूज करेंगे। आज जो चिल्ला चिल्ला कर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्राई के यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है फाइट वर्सेस क्वेरल। क्या बोले? फाइट वर्सेस क्वेरल। इसका हिंदी में दोनों का मतलब लड़ना या झगड़ना होता है, ठीक है। फाइट का मतलब भी लड़ना या झगड़ना, और क्वेरल का मतलब भी लड़ना या झगड़ना, ठीक है। लेकिन अब इसको यूज कहां पे करेंगे? देखिए, कोई भी अगर फाइट चल रहा है, तो फाइट का हम लोग वहां यूज करेंगे जहां पर फिजिकल लड़ाई चल रहा हो, फिजिकल फाइट चल रहा हो, जैसे कि लात घूंस कुछ भी हो वहां पर चल रहा है, तो उसमें हम लोग फाइट का यूज करेंगे। जैसे कि सी इज फाइटिंग विथ मी, सी इज फाइटिंग विथ मी। अगर वो मुझसे लात घूंस फाइट से लड़ रही है, तो उसका क्या बोलेंगे? सी इज फाइटिंग विथ मी। तो उसमें हम लोग फिजिकल जहां पर यूज होता है उसको फाइट का यूज करेंगे, और क्वेरल का वहां पर यूज करेंगे जहां पर ओरली लड़ाई होता है, जैसे कि मुंह में सिर्फ बोला बोली होता है, जो सिर्फ बोला बोली होकर लड़ाई होता है, उसको हम लोग क्वेरली बोलते हैं, ठीक है, जिसको ओरली फाइट बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है बाय वर्सेस परचेस, ठीक है, बाय वर्सेस परचेस। अब बाय का मतलब भी खरीदना होता है और परचेस का मतलब भी खरीदना होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यूज कहां पर करेंगे, ठीक है, बाय का यूज कहां पर करेंगे और परचेस का यूज कहां पर करेंगे, ठीक है। बाय का यूज हम लोग वहां पर करेंगे जहां पर मतलब जो हम लोग चीज कोई भी अगर अक्सर जो हम लोग चीज खरीदते हैं उसमें हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग आई विल बाय अ टी शर्ट, मैं एक टी शर्ट खरीदूंगा, ठीक है। आई विल बाय शुगर, मैं चीनी खरीदूंगा। आई विल बाय पोटैटो, मैं आलू खरीदूंगा। मतलब जो चीज हम लोग अक्सर खरीदते हैं उसमें हम लोग बाय का यूज करते हैं। अगर कभी कभार अगर खरीदते हैं, मतलब बहुत सालों साल बाद एक बार खरीदते हैं, उसमें हम लोग कोई भी चीज बड़ा चीज खरीदते हैं, तो उसमें हम लोग परचेज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि कार, आई विल परचेज अ कार, मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, कार खरीदूंगा, ठीक है। इसमें हम लोग कभी कभार जो हम लोग खरीदते हैं उसमें हम लोग परचेज का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि दूसरा क्या है? आई विल बाय अ फोन। क्या बोलेंगे? आई विल बाय अ फोन, मैं एक फोन खरीदूंगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग कभी कभार खरीदते हैं, जो हम लोग रेयर केस खरीदते हैं, जो हम रियली खरीदते हैं, उसमें हम लोग परचेज का यूज करेंगे। जो हम लोग अक्सर खरीदते रहते हैं उसमें बाय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।